हरियाणा सरकार का बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी का सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिसके माध्यम से बिजली विभाग के डिफाल्टर उपभोक्ता मामूली से रकम भरकर अपने माथे पर लगे डिफाल्टर के कलंक को मिटा सकते हैं। यह स्कीम का फायदा 30 जून 2018 तक के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने यह स्कीम पिछले कई वर्षों से बिजली विभाग के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को भारी भरकम राशि के ब्याज से मुक्त बनाने के लिए दी है। इसमें 2005 तक सभी उपभोक्ताओं का बिल बिल्कुल माफ किया गया है, वह बाकी बचे 2005 से 2018 तक सालों का लोड के हिसाब से उनसे भुगतान करने को कहा गया है, ताकि वे सरकार की सुनहरी स्कीम का लाभ ज्यादा से ज्यादा ले सकें। माना यह जा रहा है कि इस सरकार की सबसे बढ़िया स्कीम है, जिसमें आम उपभोक्ताओं को सही पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आम उपभोक्ता बिजली विभाग की स्कीम मुख्य धारा में शामिल हो सके, उपभोक्ता स्कीम का लाभ उठाकर अपना व अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके, ताकि आने वाले दिनों में बिजली विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई अड़चन न बन सके। हरियाणा सरकार ने दो स्कीमें निकाली हैं। पहली स्कीम तो है दक्षिण हरियाणा के लिए D24 और D25 सर्कुलर के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दी है, जिसमें जितने भी ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिल बकाया पड़ा है, चाहे वो कनेक्टेड हैं चाहे डिसकनेक्टेड हैं, मतलब कि जिनका कनेक्शन चालू है या कट गया है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकाली है। और इस स्कीम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पहले जितनी भी स्कीमें आई उनमें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट था जो लोगों की आकांक्षा पे खरा नहीं उतरा, तो इस स्कीम में सारी चीज़ें ले ली गई हैं। इस स्कीम में बिल्कुल क्लियर कट इस बात पे जोर दिया गया है कि जितने भी उपभोक्ता हैं वो ईमानदारी से पे करना चाह रहे हैं, उनको डिफाल्टर नाम के कलंक से हम हटाएं, तो उनको रास्ता दिया गया है। और 1 किलोवाट के लिए 40 यूनिट पर मंथ गाँव के लिए और शहर के लिए 50 यूनिट, इसी तरीके से NDS के लिए 75 यूनिट ग्रामीण के लिए और 150 यूनिट शहरी उपभोक्ताओं के लिए लेते हुए उसकी गुणा करनी गई है, जो भी जब से वो डिफाल्टर रहा है 2005 से पीछे, चूंकि एक बार सारे बिल माफ़ कर दिए गए थे तो 17/6/2005 इसकी कट ऑफ डेट मान ली गई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट वाला कंज्यूमर अगर वो 2005 से भी डिफाल्टर है तो 13 सालों में लगभग 17-18 हज़ार रुपये भर के वो सारे का सारा बिल, चाहे उसका कितने लाख रुपया है, वो अपना बिल क्लियर करते हुए अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाके, और अपना मीटर भी अगर उसका ख़राब है, कोई छेड़छाड़ भी है, तो भी स्कीम के तहत तो उसको माफ़ी दी गई है कि कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आप अपना बिल क्लियर करें, मीटर बाहर लगवाएं और मेन स्ट्रीम में आके अपने आगे के बिल भरना चालू करें। BPL के लिए बहुत अच्छा इसमें प्रावधान किया गया है कि BPL जो परिवार हैं उनके लिए सिर्फ 1 साल का कैलकुलेट करना है हमने इसी रेट के हिसाब से, तो लगभग ये मान के चलेंगे 1400-1500 रुपये में 1 साल की पेमेंट उसकी 1 किलोवाट वाला जो कंज्यूमर है उसकी हो जाएगी, और वो 1400-1500 रुपये भर के यानी जितना भी बिल उसका पड़ा है वो सारा क्लियर होता है उसका। तो BPL परिवार के लिए तो एक तरह से स्वर्णिम अवसर है, और बाकी उपभोक्ताओं के लिए भी थोड़ी सी पेमेंट करके पिछले सारे का सारा अपने सिर पे एक जो डिफाल्टर नाम का शब्द था वो हटा सकते हैं। और इसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि हम नो ड्यूज जैसे ही वो पेमेंट पूरी हमारे को कर देता है साथ साथ उसको प्रोवाइड कर देंगे, जो उसका किसी भी स्कीम में किसी भी सरकारी कार्य में हमारे द्वारा दिया गया नोडूस उसके कार्य में काम में आ सकेगा। जो लोग पीछे स्कीम में आते क्या उनके लिए भी कुछ स्कीमें दिया? जिस भी स्कीम में लोगों ने कोई पेमेंट भरी है वो पेमेंट कैलकुलेट कर ली जाएगी, और इस स्कीम के हिसाब से कैलकुलेशन करके जो पेमेंट पहले उसने भर रखी है वो माइनस कर दी जाएगी। तो अगर कुछ बचता है तो हम उससे मांग लेंगे, अगर कुछ से नहीं बचता है तो उसका नोडूस हम दे देंगे। क्या शहरी क्षेत्र के लिए भी कुछ स्कीम? शहरी क्षेत्र के लिए भी डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक 5 किलोवाट तक के लिए स्कीम दी गई है, क्योंकि शहरी उपभोक्ता लगभग ये कहा करते थे कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा स्कीम आ रही हैं, तो शहरी उपभोक्ताओं के लिए भी इस स्कीम में प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ इस 24 सर्कुलर तहत के साथ साथ ही 25 नंबर सर्कुलर भी साथ साथ जारी किया गया है, जिसके अंदर सब्सिडाइज रेट बिजली के दिए गए हैं, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी सरकार अपनी तरफ से दे रही है। वो एक इतनी बड़ी सुविधा है कि जो ये लोगों में एक वहम सा था कि हमारे मीटर अगर बाहर आ गए तो हमारे बिल बढ़ जाएंगे, तो उसको कवर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और लोगों को एक सुविधा देने के लिए सस्ती बिजली जो सरकार ने करने की कोशिश की है वो सुविधा दी गई है कि अपना मीटर बाहर आने से 2 रुपये पर यूनिट लगभग उनका और भी रेट डाउन हो जाएगा, और जितने भी उपभोक्ता हैं वो इस दोनों स्कीमों का लाभ लेके मेन स्ट्रीम में आके, मैं निवेदन करता हूँ अपने नारायण देरिया के जितने भी उपभोक्ता हैं मेरे, वो अपना कैलकुलेट करवाएं यहाँ पे, और हम भी गांव में पहुँचेंगे, इनकी इसका प्रचार भी करेंगे, मोदी जातियों से, सरपंचों से, नंबरदारों से सबसे मिलेंगे, और इस स्कीम को मैं समझता हूँ कि इस एरिया के लिए तो वरदान है।